नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल यात्रा अंसारी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को हम इस चाईबासा रेलवे स्टेशन से संबंधित आप सभी को सभी जानकारियां देंगे और उसमें हम बताएंगे कि आसपास क्या आपको सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं अगर आप यहां आते हैं तो। और इसके अलावा जो भी यहां की कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बस आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस चाईबासा रेलवे स्टेशन पे बस दो ही प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म संख्या 1 और प्लेटफार्म संख्या 2। और इस पे एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए आपको ये देखिए ओवरब्रिज से ओवरब्रिज के द्वारा आप जा सकते हैं। देखिए ये ब्रिज ओवर के ऊपर से रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ यूँ दिखता है। देखिए बहुत अच्छा लगता है, यहाँ थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा रहता है और यहाँ पुलिस स्टाफ भी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो यहाँ इसलिए इसको बिना परमिशन या मतलब खाली आप स्टेशन पे इसे घूमने के लिए नहीं आ सकते। यहाँ देखिए प्रतीक्षालय भी है, अगर आप प्रथम श्रेणी में हैं तो आप आ सकते हैं। देखिए प्रतीक्षालय के लिए व्यवस्था है। अंदर है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, इससे बस पूरा अंदर बाथरूम वगैरह सब चीज़ का व्यवस्था अच्छा है। बाकी आपको दिख ही रहा है, अब बाकी बाहर निकलने का रास्ता और बाहर पार्क मिल जाएगा आपको, प्लस यहाँ गाड़ी वगैरह बहुत आपको टूर का नज़ारा है। और आपको टिकट लेने के लिए सबसे पहले आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, तो बाहर आने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ आरक्षण के लिए भी और नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको आरक्षण के लिए टिकट मिल जाएगा आरक्षण, और यहाँ बाकी नॉर्मल के लिए और यहाँ भी आरक्षण के लिए। इतना मतलब गजब का दिख रहा है, और इससे बड़ा वहाँ है जिसमें आपको जिम से संबंधित और एक्सरसाइज से संबंधित सब चीज़ वहाँ मिलेगा उसमें, और काफ़ी बड़ा है। बाकी आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, और अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएगा उधर जाने के लिए, बस स्टैंड आप जहाँ जाना चाहें। और इसके बाद यहाँ आपको एक नॉर्मल होटल मिल जाएगा जिसमें आप समोसा चाय पकौड़ी अपना कर सकते हैं, छोटी छोटी कुछ दुकानें हैं इधर। और बाकी आपको दिखाते हैं, इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको देते हैं कि आपको यहाँ से बस अड्डे का व्यवस्थित बता दें कि यहाँ से बस ऑटो अगर बस स्टैंड के लिए कर रहे हैं तो 10 से 15 रुपया लगता है ऑटो का अगर शेयरिंग में जाते हैं तो। और बाकी यहाँ से बस भी खड़ी रहती है, अगर ट्रेन आती है तो बस भी रांची तक का डायरेक्ट यहाँ से लोग बैठा लेते हैं प्राइवेट वाले, लेकिन अगर आप बस अड्डे से जाके पकड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि तो वहाँ पे सब चीज़ बहुत से बस हैं जो लाइन से खड़ी रहती है, लोग घाई घाई में पूरा भर के लेके जाते हैं। लेकिन अगर रांची तक या टाटा तक आपको जाना है तो बस स्टैंड से ही पकड़िए तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपकी सुविधा जैसे लगे। से जो रास्ता आ रहा है ये सीधा स्टेशन से आ रहा है, और यहाँ से स्टेशन 500 मीटर है, और यहाँ से सीधा ये सीधा आपका बस स्टैंड जाएगा, और ये जो आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं ये रूट सीधा आपका टाटा जाएगा, है ना, तो टाटा उधर सीधा जाएगा। अभी ये बन रहा है, पहले बहुत जाम लग जाता था, ट्रेन बहुत आती जाती है इसलिए, तो अभी बन कर तैयार हो गया, कुछ काम बाकी है और आपको आगे ले चलते हैं बस स्टैंड। लेकिन इससे पहले हम ये मतलब बताना चाह रहे हैं कि आप समझें कि वहाँ से सीधा मतलब आप 500 मीटर यहाँ आएंगे, यहाँ से 500 मीटर आपका तो बस स्टैंड पड़ेगा, मतलब आप ऑटो से भी जा सकते हैं, अगर ऐसे नॉर्मल लग है तो पैदल भी। देखिए अब यहाँ से बस स्टैंड शुरू हो रहा है,
बाकी तो प्राइवेट मैजिक वगैरह लगा रहता है, ऑटो ऑटो सब। ये आपका बस स्टैंड आ गया। बस स्टैंड में आपको बता दें कि ये रूट सीधा रांची जाएगा, ये रूट आपका टाटा जाएगा, और ये रूट जो है आपका जगन्नाथपुर वगैरह इधर जाता है, आगे से भी उड़ता है, लेकिन आपका बस स्टैंड है तो आपको टाटा रांची के लिए वहाँ जाना होगा, और बाकी उधर नौमुंडी जगन्नाथपुर के लिए उधर, और उधर भी है लेकिन वो चंपुआ साइड में जाता है, इसके आगे तो आप देखिए बड़ा है। तो बस आपको हर मिनट में, मतलब हर आधे घंटे 15 मिनट में आपको बस मिल जाएंगी, खासकर टाटा रांची के लिए, टाटा के लिए ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो देखिए सब टाटा रांची के लिए। देखिए ये सब टाटा रांची के लिए लगी है बसें, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है ये बस स्टैंड, लेकिन ज़्यादा यहाँ भीड़ रहती है। अभी बस खाली है, इनके पास बुक के दुकान बहुत से बुकें हैं जहाँ उपलब्ध हो जाती है, खासकर बहुत अच्छा चीज़ें हैं यहाँ भी यहाँ, लेकिन इनका बंद है आज। भाई साहब मतलब आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित इनके पास बुकें मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब ये तो बस स्टैंड हो गया, अब इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि आपको लॉन्च कितना सस्ता में कितना चीप रेट में मिल सकता है। आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए, उस साइड में ना बहुत बड़ा मार्केट लगता है जो यहाँ टाटा मतलब चाइबासा का, तो एक डेट नहीं पता लेकिन किसी एक डेट में लगता है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, और इसमें कभी अगर आप आए तो घूमें, मतलब चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ का, खासकर आदिवासी लोग का वो राशन बेचने का। आपको यहाँ से लंबी लंबी लाइनें हैं जो सभी कपड़े सभी सामान आपको यहाँ लाइन से लगी दुकानें मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दूसरे लॉन्च में जिसका नाम है जनता निवास, तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए जनता निवास है, और यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा, यहाँ 24 घंटा रूम मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जब न्यू पोस्टिंग हुआ था तो यहाँ पे हम 5-6 दिन रुके थे, और काफ़ी अच्छा यहाँ सर्विस है, आपको रूम मतलब चीप रेट में मिल जाएगा, इसका उन्होंने मना किया है, लेकिन आपको कम रेट में मिल जाएगा, जैसे बड़े होटल हैं महंगे वहाँ से कम रेट में आपको मिल जाएगा, और बाकी आपको दिखा देते हैं। तो यही है हमारे सर्विस। सर आपका नाम क्या है? जी भगवती सराफ। देखिए भगवती सराफ सर है, और यही यहाँ के मेन ओनर है, और उन्हीं के यहाँ मतलब यहाँ देख रेख में सब चलता है। तो आइए एक बार आप विजिट करिए, अगर आप आए तो इनके यहाँ आइए, अगर आपको कम पैसे में रहना है तो 500 से नीचे। और आपको एक बात बता दें, सर का फ़ोन नंबर है, अगर आप आते हैं आपको कहीं मतलब ऑटो ऑटो वाला दिक्कत करता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं, बाकी कोई ऑटो वाला बता देगा, अगर आप किसी ऑटो वाले से बोलेंगे जनता लोन तो कोई ला के छोड़ देगा। तो आपको हम एकदम कम रेट एकदम सस्ता में मतलब 100 से 120-150 तक का आपको रूम दिखा देते हैं। इसको ये धर्मशाला आएगा आपको, ये देखिए रोड से लगभग मतलब चाइबासा रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है धर्मशाला, और इस धर्मशाला में आपको 100 से 150 तक का रूम मिल जाएगा, अंदर चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है जमजम होटल, आप देख लीजिए यहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था है, बाकी रहने का इधर आपको मिल जाएगा,
तो इनके पास अभी इनसे बात हुई, इनके स्टाफ से, तो बॉस है नहीं, लेकिन आपको कम से कम 250 तक का रूम मिल जाएगा, और रूम अच्छा मिलेगा आपको, बढ़िया। बाकी इसके रिलेटेड और जो भी है आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप और भी ढूंढेंगे तो मिलेगा, ऐसी नहीं है, 500 के अंदर आपको रूम बहुत से मिल जाएंगी। लेकिन ये हम आपको बस गिने चुने इसे बता दिए, बाकी आप वीडियो देखते रहे, थोड़ा महंगे में दिखा दे रहे हैं। इस होटल का नाम है होटल शिखा मनु, तो ये आपका यही चाईबासा में ही है, और ये आपका रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर, मतलब TBS एजेंसी जो है, इसके TBS बाइक एजेंसी के पास में है होटल शिफा मनु, जिसमें आपको हम अंदर चल के सब दिखा देते हैं, और कि यहाँ कितने तक आपको रूम मिल सकता है, और क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं आपको मिल सकती है, कम से कम कम बजट में, मतलब कितना, कम से कम कितना तक का आपको रूम मिल सकता है, और ज़्यादा ज़्यादा। बाकी तो दोस्तों ये रिसेप्शन है इनका, और आपको एक यहाँ रेस्टोरेंट मिल जाएगा, बाकी यहाँ रूम आपको रूम का अच्छा खासा क्वालिटी है, यहाँ आपको 2000 से शुरू होगा रूम। तो बाकी अंदर का क्या है तो बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी इनका बॉस है नहीं, और ये है अभी यहाँ। आपका नाम क्या है सर? अंचन जी हैं, अगर आप आइए तो इनसे मिलिए, आपको अच्छा खासा यहाँ पे सब सुविधा मिलेंगी आप। तो अगर आपको कपड़ा से संबंधित कुछ सामान लेना है तो ये अच्छा, आपको अपना बाज़ार में आइए, तो ये भी अच्छा फेमस है, यहाँ अंदर बहुत बड़ा है, बहुत नहीं लेकिन हाँ ज़्यादा है, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, ब्रांडेड चीज़ से लेकर सब चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध है। अंदर हम गए हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका